दोस्तों आई एम श्योर कि अभी तक आपने स्वेगेसिस वायरस के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुने होंगे। वीडियो में बने रहिए और आपके जिन भी दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं है इस वीडियो को उनको अभी शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी लोग इस वीडियो के बारे में स्वेगेसिस वायरस के बारे में जान पाए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वेगेसिस वायरस क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नील, आप सभी को स्वागत है टेक्निकल नील यूट्यूब चैनल में। स्वेगेसिस वायरस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट्सएप ने इस चीज को बहुत दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये स्वेगेसिस वायरस आज से पहले भी बहुत से लोगों को इफेक्ट किया था इनडायरेक्टली, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को बहुत चीजों का प्रॉब्लम, उसका डेटा वगैरह लीक हो गया था। अभी यहाँ पे मैं स्वेगेसिस वायरस को आगे ले जाने से पहले यहाँ पे जो मेन जिन्होंने इसको क्रिएट किया उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। और बेसिकली ये स्वेगेसिस वायरस कब लॉन्च हुआ था, इससे पहले वाले डेट, इस चीज को भी बताऊंगा। देखिए बेसिकली अभी 2016 में ही स्वेगेसिस वायरस को लॉन्च कर दिया गया था। और अगर इसको हम लोग बात करें, एनएसओ ग्रुप का यहाँ पे नाम निकल के आता है। बेसिकली अभी ये जो एनएसओ ग्रुप है क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली अगर सबसे पहले बता देता हूँ कि एनएसओ ग्रुप है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक टेक फर्म है जो साइबर सिक्योरिटी टेक रिसर्च वगैरह करता है, वायरसेस वगैरह ऐसे क्रिएट करता है। और इसका अगर फुल फॉर्म अगर मैं हम बात करते हैं तो इसका तीन फाउंडर है जिससे एनएसओ ग्रुप का नाम निकल के आता है, नेव, शेलिव, ओमरी। इन तीनों फाउंडर से ये जो बेसिकली एनएसओ ग्रुप है इसका नाम निकल के आता है। अभी अगर हम इसका बात करें तो बेसिकली ये जो स्वेगेसिस वायरस को इन्होंने क्रिएट किया है और ये जो वायरस है इसका अगर काम के बारे में थोड़ा इन डिटेल्स अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये वायरसेस, देखिए वायरसेस के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं उसके बाद इस वायरस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वायरसेस बेसिकली दो टाइप का होता है। आप एक नॉर्मल सा अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो वायरसेस आप देख पाएंगे कि आपका फोन के कैमरा बहुत से समय में ऑन नहीं होता है, कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता है या कोई एप्लीकेशन में क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एक क्या है, ग्लिच है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है या जो भी कंपनी का फोन यूज करते हैं जब वो अपडेट आता है सॉफ्टवेयर या एक बार फोन को रिस्टार्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। मगर ये जो स्वेगेसिस टाइप का जो वायरसेस है, ये जो मालवेयर्स है, ये बेसिकली बहुत डेंजरस होता है। ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपका जो फोन का कैमरा वगैरह से आपका फोटो सेल्फी वगैरह ले सकता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपसे लेकर के किसी और कंपनी को भेज सकता है और आपका लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है और भी बहुत सी चीज़ें आपका एक्टिविटीज कर सकता है। और ये जो वायरसेस होता है ना, ये आपके फोन में इनडायरेक्टली आप देख भी नहीं पाओगे, आपका मतलब फोन को पूरा बाइंड कर देगा और एक बार अगर अंदर आ गया तो बहुत से दिक्कत करता है। अभी बड़े बड़े जो कंपनीज होता है बेसिकली, जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत पैसा दे करके एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो इथिकल हैकर्स होता है उनको सैलरी दे के हायर करता है ताकि इसी टाइप का जो मालवेयर्स होता है या वायरसेस होता है इसको डिकोड कर पाए या इसका एंटी मालवेयर स्क्रिप्ट लॉन्च कर पाए। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो एनएसओ जो ग्रुप है, जो इजरायली कंपनी है, ये बेसिकली क्या करते हैं, देखिए बेसिकली जो हैकर्स होता है वो तो बहुत से कंपनियां जो कि इनको बहुत पैसा देता है जो बग्स वगैरह इसको डिकोड या इसको क्या इसका एंटी मालवेयर स्क्रिप्ट करने के लिए। तो अभी एनएसओ ग्रुप क्या करता है, मान के चलिए जो हैकर्स है बेसिकली अपने फायदे के लिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल को भी नहीं बताते जो बग्स रहता है। अभी वो लोग जो पैसा देता है, मतलब जो गूगल या जो कंपनियां जो पैसा देते हैं वो इथिकल हैकर्स को, एनएसओ ग्रुप क्या करते हैं इससे ज़्यादा पैसा दे करके उस बग के बारे में आने वाले फ्यूचर के टाइम में जो इसको वल्नरेबिलिटीज है उसको अटैक कर पाए या उसके ऊपर कुछ कर पाए तो इसके लिए वो बग्स को उससे पूरा जो इन्फॉर्मेशन रहता है उन लोगों से ले लेते हैं ज़्यादा पैसा दे करके, जिससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में जब इसका कोई प्रॉब्लम या इसका कुछ होगा तो उनके पास सबसे पहले एंटीडोट रहेगा और उनके पास बहुत अच्छा वाला जो हैकर्स का बैक सपोर्ट रहता है। अभी ये जो एनएसओ ग्रुप है बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जीरो डे में यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ, जीरो डे जो स्क्रिप्ट वगैरह रहता है, जो जीरो डे यहाँ पे क्या है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये जो स्वेगेसिस वायरस है बेसिकली कैसे करके काम करता है। और जीरो क्लिक अगर आप बोलते हो इसको कि जीरो क्लिक में आपका फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे तो पहली बात है कि वायरसेस तो बहुत से आया है अभी,
आपको शायद पता होगा फिशिंग अटैक लॉन्च हुआ था जिससे कि आपका ईमेल वगैरह को क्लोन कर सकता है, सेम ईमेल आप उसको ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे तो हैक हो जाएगा। और भी बहुत सारे वायरसेस आया था जो कि आपका फ़ोन का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह करता था। अब ये स्विगसेस वायरस क्या है, ये अगर किसी के फ़ोन में अगर इंस्टॉल करना होगा तो यूज़र को कोई भी फ़ोन वगैरह लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास एक व्हाट्सएप कॉल आएगा। एक व्हाट्सएप कॉल से आपके फ़ोन में जो स्विगसेस वायरस है वन व्हाट्सएप कॉल से इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस वजह से वायरस क्या कर सकता है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपका कॉल डिटेल्स ले सकता है, आपका हिस्ट्री ले सकता है, आपका बैंक बैलेंस ले सकता है, आपका अकाउंट से अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो कर सकता है, आपका फोन में कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो कर सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन को कहीं से लेकर के किसी और जगह पर ट्रांसफर कर सकता है। और जो NSO कंपनी है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये जो स्विगसेस जैसे सॉफ्टवेयर या जो वायरसेस होता है ना, बहुत लंबी कीमत में सेल करता है गवर्नमेंट को। आप हम जैसे लोग इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट या बहुत से कुछ ऐसे गवर्नमेंट है जिनका नाम अभी उठ के आ रहा है, मैं इंडिया को स्पेसिफिकली मेंशन किया क्योंकि यहां पे उन लोगों ने भी शायद इसको यूज किया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, बहुत लंबा कीमत में जो NSO ग्रुप है इसको, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स को सेल करते हैं या वायरसेस को सेल करता है। अभी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो वायरसेस है, जब इसको आप परचेस करोगे या जो गवर्नमेंट इसको परचेस करेगा, और वो हम आपके जैसे नॉर्मल लोगों को क्यों यूज़ करेगा, हम आपके जैसे लोगों पर ये यूज़ नहीं होगा। कोई बड़ी लेवल पर अगर कोई होगा जिसको अगर क्रैक करना होगा तो वो उनको जाके करेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बेसिकली हम आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा आप लेवल का अगर कोई होगा तो उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये वायरस उनको इफेक्ट करेगा, उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका कॉल डिटेल्स वगैरह उनसे लेना है। अभी और एक तो बात यहाँ पे बता देता हूँ, बेसिकली क्या है, ये वायरस और एक तो काम कर सकता है जिसके लिए वायरस को परचेस करते हैं बहुत से गवर्नमेंट, क्योंकि ये वायरस जब भी कोई, एक तो व्हाट्सएप कॉल से आपको टच भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक व्हाट्सएप कॉल से इंस्टॉल हो जाएगा। अभी 7 दिन मान के चलिए आपको ट्रेसिंग वगैरह कर रहा है या आपको ट्रैक कर रहा है पूरा, 7 दिन के बाद वो फ़ोन अगर फॉरेंसिक लैब में जाता है कि रिसर्च वगैरह के लिए कि फ़ोन में कुछ है या नहीं, ऑटोमेटिकली ये वायरस 7 दिन के बाद आप पूरा फोन से डीएक्टिवेट कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो। बहुत ही डेंजरस एक वायरस है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको और मेरे से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लेवल का रहता है उनको ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया कि क्या होता है और इस स्विगसेस वायरस क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसी बात में एक तो लाइक बनता ही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इतना दूर तक जब वीडियो को देखे ही हो, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप आने वाले फ्यूचर के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। राइट साइड का ऊपर में जो वीडियो है, इस वीडियो को देखिए अगर आपको कोडिंग सीखना है, नीचे का वीडियो देखिए अगर आपको एप्लीकेशन का सोर्स कोड क्रैक करना है। तो गुड बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे।